वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर शिवानी ड्रीम लाइफ एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप गाइस आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे और फिट होंगे और बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे। सो गाइस आज मैं आपका शेयर करने जा रही हूँ 10 ऐसे किचन एसेंशियल्स आइटम्स, यूटेंसिल्स नहीं है, मतलब ऐसे आइटम्स हैं जो कि हैं अंडर 200 के रेंज में और बहुत ज़्यादा हमारे डेली रूटीन, मतलब हमें चाहिए चाहिए होता है। अगर ये है हमारे पास तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है और आपका काम करने का तरीके मतलब बहुत ही जल्दी हो जाता है, बहुत हेल्प मिल जाती है आपको। और बहुत ही ज़्यादा ऐसे एसेंशियल्स हैं कि सबके घर पे होते हैं, सबको ज़रूरत भी होती है और कम रेंज में ऐसे प्रोडक्ट मिलना जो आपको हेल्प कर सके आपके किचन के टाइम पर और आपका काम आसान बना सके तो बहुत अच्छी बात होती है। सो गाइज आज मैं आपके शेयर करने जा रही हूँ 10 मोस्ट मस्ट हैव किचन एसेंशियल आइटम्स अंडर 200 रेंज में और 200 के अंदर ये सारे प्रोडक्ट मुझे मिले हैं और मैंने ये सब के सब फ्लिपकार्ट से बाय किए हुए हैं। तो आज मैं आपके शेयर करने जा रही हूँ फ्लिपकार्ट का शॉपिंग हॉल अंडर 200 रेंज वाला, वो भी सिर्फ और सिर्फ किचन एसेंशियल्स का। तो गाइज ये जो किचन और गैजेट्स आप बोल सकते हो, जो गैजेट्स हैं ये बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, मतलब अभी रिसेंटली कोई लॉन्च नहीं हुआ या कोई ऐसा इन्वेंशन नहीं हुआ कि अभी आ रहे हैं तो हमें मिल रहा है, ऐसा नहीं है, सबके पास होते हैं। मेरे लिए इतना यूज़फुल इसलिए है क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता और जब मुझे सही होती है मैं सोचती हूँ कि मेरा काम बहुत जल्दी हो जाए, अगर मैं खाना बना रही हूँ तो बहुत जल्दी से हो जाए, मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं वो काम बहुत जल्दी से कर सकूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो सके, क्योंकि बेटी की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हर और कामों पे, तो कभी भी वो उसको चाहिए होता है कि मतलब मैं आऊँ उसके पास। किचन एसेंशियल्स हैं जो मैं 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल सही हैं, क्वालिटी वाइज सही है, रेंज वाइज सही है और मैं इनको यूज़ करते करते इतना टाइम से, मतलब मेरे एक हैबिचुअल जो हैबिट होती है ना किचन में, अगर आप जा रहे हो अगर आप ये चीज़ें नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत होती है, उस टाइप का सामान है। तो मैं आपके वही शेयर करने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको लास्ट में अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरी वीडियो के सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिले जब मैं अपलोड करती हूँ। सो गाइस आज का ये एसेंशियल शॉपिंग हॉल फ्लिपकार्ट वाला स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला प्रोडक्ट मैं आपके शेयर करने जा रही हूँ वो मस्ट और मस्ट एसेंशियल में मेरे आता है, वो है ये एक स्टैंड है, मतलब मिल्क रखने के लिए आप रख सकते हो, कोई भी हॉट पॉट अपना रखने के लिए आप रख सकते हो। ये स्टेनलेस स्टील का है गाइस, एकदम अच्छी क्वालिटी का है और ये मुझे सिर्फ और सिर्फ पड़ा था 140 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट में। 140 रुपीज़ में आपको 200 के भी रेंज में मिलेंगे, कम रेंज के भी मिलेंगे, बस इसकी क्वालिटी गाइस बहुत अच्छी है और इसको मैं कभी कभी अपना जैसे कढ़ाई वगैरह में केक बनानी है, कुकीज़ बनानी है तो उसको बनाने के बेक करने के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ, हॉट पॉट रखने के लिए भी यूज़ कर लेती हूँ। सुबह सुबह जल्दी जल्दी अगर आप कुछ काम कर रहे हो, चाय बनानी है, दूध गर्म करना है तो जल्दी से उठा के मैं इसके ऊपर रख देती हूँ ताकि वो कभी फैले नहीं या कभी गिरने के चांसेस ना हो, तो वो इसके ऊपर बहुत अच्छे से आ जाता है। मेरा पहला और मैं बोलूँगी बहुत ही हाईली रिकमेंडेड ये है मेरा एसेंशियल। दूसरा मेरा एसेंशियल है एक लेमन स्क्वीज़र गाइस, लेमन क्योंकि मैं सुबह उठ के कभी वार्म वाटर पीती हूँ, कभी लेमन वाटर पीती हूँ, कभी लेमन हनी वाटर पीती हूँ, कुछ भी मतलब अगर लेमन का मुझे चाहिए होता है तो मैं तुरंत ही जल्दी मुझे स्क्वीज़ करना रहता है, तो ये गाइस मुझे मिला था और सिर्फ मुझे 99 रुपीज़ का मिला था फ्लिपकार्ट पे। और अच्छे से आप इसमें स्क्वीज़ कर सकते हो लेमन रख के और आराम से ये गाइस ये पूरा लेमन का जितना भी रस होता है ना अच्छे से स्क्वीज़ कर देता है, तो ये सेकंड एसेंशियल पे मेरा आता है 99 रुपीज़ में गाइस, 200 के रेंज में भी नहीं, अंडर 100 आप बोल सकते हो उसको, तो ये भी मेरा डेली मेरा एसेंशियल में आता है। थर्ड मेरा एसेंशियल में आता है एक स्ट्रेनर, मतलब आप ये बोल सकते हो जो घुमाने वाला होता है ना जिसको हम लोग स्ट्रेन करते हैं, फेंटते हैं सामान, तो ये है, ये भी मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ में, कभी मुझे सुबह अगर चिल्ला वगैरह बनाना है, ब्रेकफास्ट में जल्दी है या कुछ भी बनाना है तो मैं उसको जल्दी से फेंटने में यूज़ कर लेती हूँ। ब्लेंडर भी है मेरे पास बट इलेक्ट्रॉनिक ब्लेंडर में टाइम लगता है, आप प्लग लगाओ फिर उसको, इसको क्या बगल में रखा रहा थोड़ा जल्दी से फेंट लिया हमने और आसानी से काम हो गया। तो गाइज़ ये भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 120 रुपीज़ का मिला था और गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई भी ख़राबी नहीं आई है और 120 रुपीज़ में ये ऐसा एसेंशियल है कि सबके घर पे होता है, सबके लिए नीडफुल है और सब इसको यूज़ करते हैं, मैं भी करती हूँ, आप भी करते होंगे तो आपको पता होगा कितना ज़्यादा बेनिफिट होता है इसको अपने घर में रखने का। और नेक्स्ट मैं बताती हूँ मेरे पास है ये मैशर और मैशर तो गाइज सबके पास होना चाहिए, आप कोई भी चीज़ बना रहे हो, मैं सुबह आलू का पराठा बनाना होता है आलू बॉयल करके बाद मैश कर देती हूँ, कोई भी वेजिटेबल ऐसी है जो मुझे मैश करनी है मैं मैश करती हूँ, पाव भाजी के लिए भाजी बनाती हूँ तो उसको मैश करती हूँ, इवन मैं अपनी बेटी के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ बनानी होती है जो मुझे मैश करनी होती है वो भी खा नहीं पाती है, लाइक बनाना शेक बनाना है, कुछ भी बनाना है तो मैं जल्दी से बनाना इसमें मैश कर देती हूँ, मिल्क डालकर उसको दे देती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैशर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है और ये सिर्फ और सिर्फ मुझे मिला था 140 रुपीज़ का फ्लिपकार्ट पे। ऑनलाइन पे आपको अलग मिलता है, मार्केट में कोई आपको 90 रुपीज़ 100 रुपीज़ में ही मिल जाए, बट गाइस लॉकडाउन के टाइम पे मैंने सब कुछ खरीदा था तो मुझे बाहर जाने का टाइम नहीं मिला था, मैंने ये ऑनलाइन ही सारा फ्लिपकार्ट से लिया है, कोई भी इधर उधर से नहीं खरीदा, बहुत ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिट रहा है गाइस। ये मैं जा रही हूँ एक ये स्ट्रेनर, ये स्ट्रेनर मल्टीपर्पज़ है गाइस, इसमें मैं
मतलब आप चूरा भी, मैं मतलब जो चूरा होता है ना पोहा वाला, वो भी स्ट्रेन करती हूँ, आटा भी स्ट्रेन करती हूँ, मैदा भी स्ट्रेन करती हूँ। सुबह मुझे कुछ अगर जल्दी होती है तो मैं आटा स्ट्रेन कर लेती हूँ, हलवा बनाना होता है तो पोहा स्ट्रेन कर लेती हूँ, बेसन के छिले बनाना तो बेसन स्ट्रेन कर लेती हूँ, कुछ भी, इवन मसाला वगैरह भी होता है कभी कभी, हमें लगता है ना मसाला बहुत टाइम से रखा हुआ है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो उसको भी मैं स्ट्रेन करके ही डेली यूज़ करती हूँ। और बेटी की दलिया होती है, कुछ भी मैं हॉट चीज़ बॉयल कर रही हूँ, सब्जियाँ हैं, कुछ भी बॉयल करती हूँ गाइस, तो वो मैं इसमें डाल के स्ट्रेन कर लेती हूँ। इवन मैश करना होता है तो मैं इसी पर रख के, इसी को मैशर रख के मैश कर देती हूँ, और सारा पानी स्क्वीज कर लेता है। सोयाबीन वगैरह करती हूँ, कुछ भी, एनी थिंग, ये मल्टीपर्पज़ स्ट्रेनर मेरे पास है। और मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे 198 का ही पड़ा था, 190 रुपीज़ का ही पड़ा था, और मस्ट एसेंशियल रिकमेंडेशन वाला आइटम है मेरे लिए। और क्वालिटी वाइज आज भी वैसा ही है और हमेशा वैसा ही चल रहा है, मुझे तो 2 साल होने वाला है और अभी भी उसमें कोई भी खराबी नहीं आई, कोई स्ट्रेन इसका टूटा नहीं है या इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई है। साइज़ वाइज भी बहुत अच्छा है गाइज, तो ये मस्ट रिकमेंडेशन। मैं आपके शेयर करना चाह रही हूँ, रिसेंटली मैंने बाय किया हुआ है एक ये पिज्ज़ा कटर, आप पिज्ज़ा कटर बोल सकते हो, पराठा कटर बोल सकते हो, कुछ भी कटर करना हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। और ये मेरे पास एक था, बट क्या हुआ कि वो खो गया, मिल नहीं रहा, क्योंकि मैंने सामान शिफ्ट किया था हस्बैंड के बाद, तो उसी में मैंने किसी में बैग में पैक कर, जो एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स थे मेरे, मैंने रख दिए थे उसी में, ये रख दिया, फिर मैं निकालने का टाइम नहीं मिला मुझे। तो गाइज ये भी सिर्फ और सिर्फ मुझे पड़ा है 135 रुपीज़ का, आप ये देख सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 135 रुपीज़ में। और गाइज ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा टूल है डेली यूज़ में, आप कह सकते हो, अगर आप पराठे वगैरह बना रहे हो, आपको छोटे बच्चों को देने हो तो आप पीसेस कट करने के लिए बहुत आसानी से हो जाता है। मैं तो अपनी बेटी के लिए कुछ भी बनाती हूँ तो मैं कट करके उसको देती हूँ, तो इससे बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो अभी मेरे पास रिसेंटली आया था तो मैंने आपको ये भी शेयर किया। नेक्स्ट और हाईली 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 रिकमेंडेड वाला जो होता है वो ये है चॉपर। गाइज ये मेरे पास तीसरा चॉपर है, एक चॉपर मेरा इससे टूट गया था, एक सो वो था अमेजोन ब्रांड का था, कुछ गणेश का था, गणेश के मेरे पास चॉपर कटर भी है बट वो 500 रेंज वाले थे तो मैंने नहीं शेयर किया आपके साथ। वो भी डेली मेरे सब्जी कटर जो था, वेजिटेबल कटर मैं यूज़ कर रही हूँ। बट ये गाइस है सोलेमो का और ये ग्रीन कलर का है, इसमें इस तरह के कैसे स्ट्रेन मिलता है, ब्लेड्स हैं, आप इसमें प्याज अनियन चॉपर कर सकते हो, टोमेटो चॉपर कर सकते हो, ड्राई फ्रूट चॉपर कर सकते हो, कोई भी सब्जी कोई भी वेजिटेबल अगर आपको बिल्कुल ग्राइंड करनी है आप कर सकते हो, कुछ भी अच्छे से कर सकते हो। और होता है ना कि आप एकदम ऐसे रख के अंदर डाल के और आराम से आपको सिर्फ इसमें ऐसे स्ट्रेन करना है गाइस, सिर्फ 2 मिनट लगता है। मैं सुबह छौंका लगाती हूँ दाल में तो जल्दी से स्ट्रेन किया, इसको ग्राइंड कर लिया, ओनियन ग्राइंड कर ली, लहसुन ग्राइंड कर लिया और टमाटो ग्राइंड कर लिया, सब ग्राइंड कर लिया गाइस, सिर्फ और सिर्फ 170 रुपीज़ का, 169 का मुझे सोलेमो का था ये। और अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, गणेश के भी फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, आप कहीं से भी बाय कर सकते हो। मेरे पास दोनों के थे, दोनों यूज़ कर रही हूँ, एक मेरे पास इस कलर का है, एक और ग्रीन का है, ग्रे कलर का है। तो गाइज ये बहुत ही ज़्यादा मैं शेयर करने जा रही हूँ एक और एसेंशियल जो कि है ये है फ्राई पैन, आप बोल सकते हो। इसमें मैं फ्राई पैन के साथ साथ बहुत सारे काम करती हूँ, उसमें मैं अपनी बेटी का ओट्स सुबह बनाती हूँ, दाल छौंकती हूँ, घर का भी कुछ भी काम होता है तो मैं जल्दी बना लेती हूँ, इवन मैंने इसमें चाय भी बनाई है, 1 कप चाय भी बन जाती है गाइस, इसमें बहुत कुछ हो जाता है। वैसे ये फ्राई पैन है और ये मुझे पड़ा था सिर्फ और सिर्फ 198 रुपीज़ का, मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से, हर रेंज के अवेलेबल है गाइस, आप कहीं भी जाओगे मार्केट में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी, अमेजोन फ्लिपकार्ट कहीं भी अवेलेबल है, आप कहीं से बाय कर सकते हो। और ये मुझे मल्टीपर्पज़ जो एसेंशियल्स होते हैं उसमें आता है, और ये 8-9 जो चीज़ें मैंने आपके शेयर करी हैं गाइज, ये मेरी लाइफ में डेली एसेंशियल में बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी हैं, ये नहीं होती तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है यूज़ करने में और घर के काम करने में। तो ये सारे एसेंशियल्स आपके पास भी होंगे, आप भी यूज़ कर रहे होंगे और आपको पता होगा कि कितने ज़्यादा एसेंशियल होता है अगर आप किचन में काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें, यही जो एसेंशियल्स थे मैं आपके शेयर करना चाह रही थी और मैं इनको यूज़ करती हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, फ्लिपकार्ट से मैंने बाय किया है और मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इन सारी चीज़ों का। अगर आप बाय करना चाहें तो आप फ्लिपकार्ट पे जाके लिंक ओपन करके इनको बाय कर सकते हैं, और 200 की रेंज के अंदर ही सारे प्रोडक्ट्स थे और बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं हमारे किचन के, मस्ट हैव जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हैं ये। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिएगा। मैं आपके लिए इसी तरीके से न्यू वीडियोस लेके आती रहूँगी और आपको एंटरटेन करती रहूँगी, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी, फिर हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसी तरीके से एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।